हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे पास एक बजाज कंपनी का इंडक्शन कुकवेयर आया है रिपेयर के लिए, ठीक है। इसको दोस्तों इंडक्शन चूल्हा भी कहते हैं। तो और इसमें दोस्तों प्रॉब्लम है कि इसमें सप्लाई लाइन नहीं जा रहा है, डिस्प्ले वगैरह कुछ भी नहीं दिखा रहा है। इसमें जब सप्लाई दे रहे हैं तो डिस्प्ले वगैरह कुछ भी चालू नहीं हो रहा है और दोस्तों यह ऑन नहीं हो रहा है। मेन इसका प्रॉब्लम है सप्लाई लाइन का। तो दोस्तों वीडियो को स्थिर से ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को भगाए नहीं, स्किप नहीं करें, स्थिर से देखिए, तभी दोस्तों आप समझिएगा। तो ये बजाज कंपनी का आप देख रहे हैं इंडक्शन कुकवेयर, ठीक है। और इसका मॉडल नंबर दोस्तों देखिए, तो देखिए इसका मॉडल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, देखिए, ठीक है, देख लीजिए, आप अच्छी तरह समझ गए हैं। इसमें प्रॉब्लम है सप्लाई लाइन का, तो इसको दोस्तों हम खोल के चेक करेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम है क्या। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सादर प्रार्थना करता हूँ कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लें ताकि आपको नए वीडियो का मैसेज दोस्तों हमेशा मिलते रहे और आप वीडियो देख सकें और कुछ नया सीख सकें। तो इसका जो नट होता है, देखिए, एक दो तीन, और यहाँ भी होता है एक दो, एक इधर है दोस्तों, ये सारा नट दोस्तों हम इसका खोल दिए हैं। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करते हैं दोस्तों, यह देखिएगा, देखिए इसको हम ओपन किए, यही दोस्तों इसका डिस्प्ले है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका हम डिस्प्ले हटा देते हैं, देखिए ये डिस्प्ले को हम हटाते हैं। अब दोस्तों हमको यह क्वाइल खोलना है, तो चलिए क्वाइल को खोल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये हम नट खोल लेते हैं, देखिए तीन गो नट होता है इस क्वाइल में, इसको खोलना पड़ेगा। देखिए खोल दिए हैं, इसको साइड कर देते हैं, इसको ओपन करते हैं और यहाँ से इसका कनेक्शन हटाते हैं। और इसमें दोस्तों वैसे ही जला हुआ चीज दिख गया है, ये दोस्तों हाई वोल्टेज आने के कारण दोस्तों यह शॉर्ट इसमें लग कर जल गया है, ठीक है, दिखाते हैं आपको। तो जो जला है वह देखिए दोस्तों यहाँ पर है, शॉर्ट लगा हुआ है, देखिए देखिए यहाँ तीन गो जम्फर है दोस्तों, और यह तीनों जम्फर दोस्तों जल गया है, देख रहे हैं। यहाँ पर एक पार्ट लगा हुआ था जो दोस्तों जल कर इसी में है, ये देखिए, देख रहे हैं आप, देखिए जल कर पूरी तरह फट गया है, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ था, ये VDR है दोस्तों, और ये जम्फर दोस्तों जला हुआ है। आगे भी दोस्तों चेक करेंगे कि और क्या क्या जला है इसमें। तो इस किट को भी खोलते हैं दोस्तों, ये किसका नट है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों इसको क्लिप पे यहाँ पर घाट पे दोस्तों बैठाया हुआ रहता है, देखिए निकल गया, ये जला हुआ चीज़ दोस्तों हटाते हैं। इसका दोस्तों नंबर हम आपको देख कर बताते हैं दोस्तों, यह जो जला हुआ है इसका नंबर है 10D561K दोस्तों, यही इस VDR का नंबर है। देखिए इससे देखने पर दोस्तों दिख रहा है 10D561K, यानी दोस्तों 561K का यह VDR है, ठीक है। तो यह दोस्तों हमारा VDR जला हुआ है, इसको दोस्तों हटा देते हैं। और VDR होता कैसा है वह दोस्तों नया VDR आप देखिए, देखिए नया VDR कैसा होता है, ये VDR है दोस्तों। इसका नंबर दोस्तों दिखाते हैं आपको 10D511K दोस्तों, यह VDR हमारा लग जाएगा, आप दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, इसका नंबर भी देख लीजिए, देखिए उसमें जो जला हुआ था नंबर नहीं दिख रहा था, इसमें दोस्तों आप नंबर आपको दिख रहा है, यही दोस्तों VDR इसमें लगा हुआ था जो। तो ये हम VDR इसमें लगाएंगे यहाँ पर, और जम्फर को दोस्तों जला हुआ था तो जम्फर भी हमको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो जम्फर को कनेक्शन कैसे करते हैं आगे दोस्तों आपको बताएंगे। तो उससे पहले दोस्तों इसको चलिए ओपन करते हैं और इसका कनेक्शन भी दोस्तों निकालेंगे। इस किट को उलट के दोस्तों चेक करेंगे, देखिए सप्लाई हमारा यहाँ और यहाँ आ रहा है, और दोस्तों यहाँ पर हमारा देखिए फ्यूज लगा हुआ है, यह शॉर्ट लगने के कारण दोस्तों हो सकता है फ्यूज भी यह
जला हुआ हो, खराब हो गया हो। चलिए आइए फ्यूज को चेक कर लेते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों मीटर हमारा कंटिन्यूटी मोड में सेट है, चलिए इसको ऑन करते हैं। और जब दोस्तों फ्यूज सही होगा तो मीटर से बीप की आवाज़ यानी सीटी की आवाज़ आएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों फ्यूज है और एक कनेक्शन यहाँ है, तो देखिए दोस्तों हमारा सीटी की आवाज़ नहीं आ रहा है, यानी दोस्तों हमारा यह फ्यूज भी ख़राब हो गया है। ठीक है, और दोस्तों देखिए यहाँ पर VDR लगा हुआ था और ये तीनों जम्फर है दोस्तों, तो हम जम्फर को करेंगे और VDR नया लगाएंगे, फ्यूज का दोस्तों कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर प्रिंट पर दोस्तों ब्लेड हल्का लगाएंगे, हल्का ब्लेड लगाने के बाद दोस्तों प्रिंट को साफ करेंगे जो काला हो गया है ऐसे। और दोस्तों उसके बाद इसका VDR को हम सबसे पहले सोल्डरिंग करेंगे। ठीक है, आप दोस्तों वीडियो को स्थिर से ध्यान से देखिएगा, तभी दोस्तों आप स्थिर से अच्छे ढंग से समझिएगा। ठीक है, वीडियो स्किप कर दीजिएगा तो दोस्तों आप समझ नहीं पाइएगा कि कैसे रिपेयर किया जाता है। देखिए दोस्तों हम इसको साफ कर लिए हैं और इसका प्रिंट भी दोस्तों कटा हुआ है, थोड़ा सा आप नज़दीक से देखिए। देखिए दोस्तों प्रिंट भी इसका कुछ है ख़राब हो गया है जल के, देखिए देख रहे हैं कवर गया है प्रिंट। तो सारा को दोस्तों हम सेट करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों VDR का हम एक बार कनेक्शन करते हैं। देखिए नया VDR है, इसको लगाते हैं। ठीक है, और इसको दोस्तों कनेक्शन करेंगे आराम से। ये देखिए हम इसको घुमा देते हैं, इसका कनेक्टिंग पॉइंट, और घुमाने के बाद इसको दोस्तों सोल्डरिंग करते हैं सबसे पहले। ठीक है, आइए दोस्तों हम इसका सोल्डरिंग करते हैं। देखिए इधर से तो हो गया, देखिए ये पूरा मैं पकड़ लिया दोस्तों, ये ठीक हो गया, हमारा हो गया है। अब इसको ठीक करना है, इसको दोस्तों जम्फर मारकर ठीक करेंगे पूरा। तो फालतू का पिन को कट करते हैं ये, और इसी को दोस्तों यहाँ पर हम ऐसे बैठा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों इसमें जम्फर कर देते हैं ताकि दोस्तों ये पूरी अच्छे ढंग से पकड़ ले। देखिए ये हमारा हो गया है अच्छे ढंग से दोस्तों, सोल्डरिंग हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों हमको यहाँ पर जम्फर करने के लिए 3x22 का तार लेना है। ये देखिए 3x22 का तार, इसका एक एक कनेक्शन से दोस्तों हम तीनों जम्फर को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले दोस्तों हम जो जला हुआ है इसको निकाल देते हैं और कनेक्शन को सोल्डरिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इस जम्फर को हम कनेक्शन कर दिए हैं, देख रहे हैं इसको दोस्तों अच्छी तरह कनेक्शन कर दिए हैं। अब दोस्तों हमको फ्यूज का कनेक्शन करना है, यह फ्यूज दोस्तों बदलना है। तो दोस्तों यह कनेक्टिंग पॉइंट में फ्यूज लगा हुआ है, तो दोस्तों ऐसा फ्यूज हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है। तो दोस्तों इसी को फ्यूज को हम बनाएंगे, तो इसको बनाते कैसे हैं वह दोस्तों दिखाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले दोस्तों इसका कवर निकाल देते हैं। ठीक है, और दोस्तों मल्टी स्टैंड तार आता है 1 mm, 1.5 mm या 2.5 mm, देखिए इसी से हम एक तार निकाले हैं और इसी तार को दोस्तों हम सोल्डरिंग कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों फ्यूज हमारा चालू हो जाएगा। देखिए हम सेम दोस्तों वैसे ही सब कुछ बना देते हैं, उसके बाद दोस्तों इसमें हम सप्लाई देकर चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों रखे, इसको सोल्डरिंग करते हैं। इसके एक सिरे को तो सोल्डरिंग कर दिए, दूसरा सिरा को सोल्डरिंग करते हैं। ठीक है, ये दोस्तों हो गया और ये फालतू के तार काट के निकाल देते हैं। ठीक है, ये सब दोस्तों हो गया, देख रहे हैं आप अच्छी तरह। चलिए इसमें सप्लाई देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या स्थिति है इसका। दोस्तों देखिए ये इसका सप्लाई पिन है, इसी में दोस्तों हम सप्लाई देंगे। और जब हम देखिए पंखा का कनेक्शन कर दिए हैं, इसमें सीटी भी दोस्तों लगा हुआ होता है,
जब यह दोस्तों सही हो जाएगा, सही काम करेगा, तो दोस्तों पंखा स्टार्ट हो जाएगा और सीटी से आवाज़ भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसमें सप्लाई देंगे, तो सीरीज सप्लाई देंगे। सबसे पहले सीरीज सप्लाई देने से दोस्तों फ़ायदा यह है कि आगे शॉर्ट सर्किट होगा तो सीरीज बल्ब हमारा जल जाएगा, ठीक है, और दोस्तों आगे सर्किट में शॉर्ट नहीं लगेगा। अगर शॉर्ट नहीं होगा तो सीरीज सप्लाई देने पर दोस्तों यह स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए सीरीज सप्लाई देते हैं सीरीज बोर्ड से। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये देखिए अभी VDR पुनः फिर जल गया, लेकिन दोस्तों यह चालू हो गया है, फैन चालू है। देखिए ये देखिए VDR जल रहा है, यानी दोस्तों यहाँ से इसका PCB जो है शॉर्ट कर रहा है, ठीक है। तो PCB का दोस्तों शॉर्ट अच्छी तरह हमको छोड़ाना है, तो शॉर्ट छोड़ा कर दोस्तों दिखाते हैं आपको। दोस्तों यह जो है देखिए, इसको अच्छी तरह पेट्रोल से हमको साफ करना है सारा सर्किट को, ताकि दोस्तों इसका कहीं भी कनेक्टिंग पॉइंट न रहे और सारा दोस्तों शॉर्ट इसका छूट जाए। यह दोस्तों अभी भी लहक रहा है। दोस्तों देखिए, हम पेट्रोल से नीचे ऊपर दोनों साइड से दोस्तों इसको अच्छी तरह प्रिंट को साफ करना है, ठीक है, वाश करना है धोकर। ये दोस्तों जल गया है पूरा सर्किट है, ठीक। दोस्तों हम इस साइड भी इसको साफ करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम इसको अच्छी तरह पेट्रोल से धो दिए हैं, देख रहे हैं पूरा प्रिंट को दोस्तों धोकर और दोस्तों साफ कर दिए हैं। वो इधर से भी दोस्तों धोए हैं, दोनों साइड से दोस्तों इसको धोए हैं, एकदम क्लियर देख रहे हैं आप। इधर से भी दोस्तों देखिए, अब एकदम चकाचक हो गया, ठीक है। तो दोनों साइड से धो दिए हैं दोस्तों, इसका जितना भी शॉर्ट लगने का चांस था सब दोस्तों हम हटा दिए हैं, ठीक है। आइए दोस्तों अब इसमें हम सप्लाई देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर इसमें सप्लाई देंगे और आप सर्किट वगैरह सब देखिएगा कि अब सही होता है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए, हम सीरीज सप्लाई दोस्तों इसमें दे रहे हैं, देखिएगा, देखिए देखिए दोस्तों, अब शॉर्ट नहीं लग रहा है, पंखा हमारा चालू हो गया है, ठीक है। इसमें से किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सारा शॉर्ट दोस्तों हट गया है, ठीक है। तो अब हम करेंगे यहाँ कि इसका डिस्प्ले लगाकर दोस्तों आपको दिखाते हैं। तो तत्काल दोस्तों हमको ऐसे ही दोस्तों इसको बैठा देते हैं, कसेंगे नहीं, ऐसे ही बैठा कर दोस्तों एक बार इसको चेक कर लेंगे कि सही हुआ कि नहीं, ठीक है। इसको घाट में दोस्तों हम बैठा देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं, देखिए हो गया। चलिए इसको बैठा देते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब हम दोस्तों इसमें डिस्प्ले जोड़ देते हैं, जो डिस्प्ले हम खोल के हटा दिए थे दोस्तों, ये डिस्प्ले देख रहे हैं आप, इसको दोस्तों यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। इसको दोस्तों यहाँ पर रखते हैं, हो गया, रख दिए। चलिए यहाँ पर दोस्तों इसमें सप्लाई देते हैं, देखिएगा दोस्तों, सप्लाई देने पर यह डिस्प्ले ऑन होना चाहिए। चलिए देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले ध्यान से हम इसमें दोस्तों सप्लाई लाइन दे रहे हैं सीरीज में। देखिए दोस्तों, जब हम सप्लाई दिए तो डिस्प्ले हमारा ऑन हो गया है, और दोस्तों ऑन होने के बाद यह बंद हो गया, जब स्विच से हम ऑन करेंगे तो दोस्तों यह चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आपको भी दिखाते हैं वैसे करके, देखिए सबसे पहले दोस्तों हम इसमें सप्लाई दे देते हैं, देखिए सप्लाई दे दिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से इसको ऑन कर लेंगे, देखिए देखिए ऑन हो गया, ये दोस्तों नंबरिंग चालू हो गया, ठीक है। बर्तन रखेंगे तो दोस्तों यह काम कर जाएगा, ठीक है। तो यह दोस्तों हमारा इंडक्शन कुक वेयर ओके हो गया है, ठीक है, पूरी तरह दोस्तों यह सही हो गया, केवल दोस्तों इसमें इतना ही प्रॉब्लम था। दोस्तों आगे आप जब रिपेयर कर रहे हो, तो मान लीजिए कि ऐसा जब प्रॉब्लम ना मिले और सप्लाई का प्रॉब्लम हो, तो कहाँ कहाँ चेक करेंगे वह दोस्तों आपको बताते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप जब रिपेयर कर रहे हो तो कहाँ कहाँ चेक कीजिएगा। यह दोस्तों IGBT भी शॉर्ट कर जाने के कारण दोस्तों फ्यूज जल जाता है और ख़राब हो जाता है, यह सप्लाई लाइन नहीं लेगा। और दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यह दोस्तों 22 ओम्स का रेजिस्टेंस है, यह रेजिस्टेंस भी दोस्तों ख़राब हो जाने के कारण, यह रेजिस्टेंस जब कट जाएगा तो दोस्तों सप्लाई अब हमारा नहीं शो करेगा, सप्लाई नहीं बताएगा। तो यह दोस्तों रेजिस्टेंस को बदल देंगे तो आपका प्रॉब्लम दोस्तों सही हो जाएगा। और दोस्तों यह IC भी ख़राब होने से दोस्तों होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से
डायोड लगाकर और देख रहे हैं कि यहाँ से सप्लाई आता है और यहाँ से दोस्तों आईसी से इंडक्शन होकर और देखिए यहाँ पर छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पर जाता है और यहाँ से आगे जब सप्लाई बढ़ता है तो दोस्तों यह डीसी हो जाता है जो हमारा डिस्प्ले को चालू करता है। तो दोस्तों प्रॉब्लम हमारा इधर भी आता है। तो आप दोस्तों स्थिर से चेक कीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम दोस्तों मिल जाएगा और आपका इंडक्शन कुकवेयर दोस्तों बन जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो बाएं साइड अंगूठे के निशान को टच कर एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।